नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। सोमवार की रात एक भयावह हादसा हुआ जब फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद मार्ग पर स्थित नौसहरा गांव के एक पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने आसपास के दर्जन भर मकानों को नष्ट कर दिया और इसमें चार लोगों की जान चली गई। वहीं कई अन्य लोग घायल हैं और राहत कार्य जारी है। सोमवार की रात करीब 10 बजे हुए धमाके ने नौसहरा गांव को हिला दिया। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि पटाखा गोदाम के आसपास के दर्जन भर मकान एक एक करके गिरने लगे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और मलबा फैल गया। मकानों के लेंटर बीच से ही टूट गए और कई मकान की दीवारें भी गिर गई, जिससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें भी आई। वहीं घटनास्थल पर मिले शवों की पहचान की गई। मृतकों की पहचान के बाद मीरा देवी, जिनकी उम्र 52 साल, पंकज 24 साल, अमन 26 साल और इच्छा 3 साल इसमें शामिल हैं। मीरा देवी की मौत सरकारी अस्पताल में हुई, जबकि अन्य 3 की मौत की पुष्टि भी हो गई है। इसके अलावा एक ही परिवार के 7 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल भी भेजा गया। वहीं घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिलाधिकारी रमेश रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित मौके पर पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी की। राहत कार्य में ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें जुटी रहीं। वहीं एम्बुलेंसों के माध्यम से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास किए गए। वहीं पटाखा गोदाम की जानकारी के अनुसार यह गोदाम दीपावली के त्योहार के लिए स्टॉक किया गया था। वहीं धमाके के समय गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गोदाम का मालिक भूरे खां है, जो सिकोहाबाद में रहता है। विस्फोट के बाद राहत और बचाव कार्य में कई समस्याएं सामने आई। मकानों के लिंटर और दीवारें गिर जाने के कारण मलबे को हटाना कठिन हो गया था। इसके अलावा धमाके की तीव्रता ने आसपास की सड़कें भी प्रभावित की है, जिससे राहत कार्य में और भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी गई और हर संभव प्रयास किया जा रहा ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने घोषणा की है कि विस्फोट के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।